You're fighting ghosts in your head. Do you even realize that? मैं ghosts से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूँ। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन भाई साहब। एनिमल वर्किंग डे में भी जबरदस्त तबाही मचाते नजर आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट मंडे वर्किंग डे में सभी की ग्रोथ डाउन हो जाती है, लेकिन ये मूवी फिर भी 50 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करते नजर आ रही है। भाई सब देखेंगे कल कैसा क्या सिनेरियो रहा है, पहले 3 दिन में कितना कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया था, आज day 5 पर कैसा रुझान चल रहा है, कैसी एडवांस बुकिंग आज चल रही, कैसी ऑक्यूपेंसी है, हाउसफुल सोच कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे, सभी चीज़ों पर एक एक करके नजर मारेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। एनिमल मूवी को 100 करोड़ के बहुत छोटे से बजट में बनाया गया है, जिसने 4 ही दिन में 400 करोड़ कवर अप कर लिए हैं। कल एंड ऑफ द डे तक, आज day 5 फर्स्ट ट्यूजडे है, आज भी वर्किंग डे है, ग्रोथ बिल्कुल एवरेज नजर आ रही है। जैसा कल था वैसा ही आज का रुझान देखने को मिल रहा है। मतलब मूवी को बहुत प्यार मिल रहा है, एनिमल को जनता दिल खोल के प्यार दे रही है। हेटर्स जो इंतजार कर रहे थे कि भाई वर्किंग डेज आए तो इसकी ग्रोथ डाउन हो जाए और हमें एक मौका मिल जाए इसकी बुराई करने को। वैसे एनिमल को लेके तरह तरह की बातें चल रही हैं, कोई इसकी बहुत ज़्यादा बुराई भी कर रहा है, कोई इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन मूवी ओवरऑल देखा जाए तो मस्त है, पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक आध चीज़ें हुई हैं उसके पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं कि यार ये चीज़ नहीं दिखानी थी और ऐसे खुल के तो नहीं दिखानी थी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अभी बात करते हैं पहले 3 दिन में कितना कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया। हिंदी से पहले 3 दिन में यानी परसों कल रात एंड ऑफ द डे तक हिंदी से 176 करोड़, साउथ बेल से 25 करोड़ और ओवरसीज से 125 करोड़ ये मूवी कवर अप कर चुकी थी। पूरी दुनिया से परसों एंड ऑफ द डे तक 356 करोड़ ये मूवी कवर अप कर चुकी थी। पहले 3 दिन में ही 350 करोड़ कमाना बिल्कुल मामूली बात नहीं है। बात करें कल day 4 यानी कल फर्स्ट मंडे वर्किंग डे कैसा रहा, भाई सॉलिड तबाही मचाई है वर्किंग डे में भी। लग रहा था कि वर्किंग डे में डाउन हो जाएगी ग्रोथ, पर ऐसा नहीं हुआ। सेम जवान वाला रुझान देखने को मिल रहा है, वर्किंग डे में जवान भी ऐसे ही काम कर रही थी। भाई जबरदस्त होने वाला है, 15-16 तारीख तक ये मूवी ठोक के चलेगी और अच्छा खासा कलेक्शन लेके आएगी। तो कल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी एवरेज थी, 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी कहीं ना कहीं जबरदस्त हाउसफुल सोच लेकर भी बैठी थी, खासकर इवनिंग में हाउसफुल शो चल रहे थे। तो टोटल हिंदी से कलेक्शन कल आता दिखा है 36 करोड़, साउथ बेल से 4 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम को मिलाकर 40 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर अप करते नजर आ रही है। ग्रॉस कलेक्शन 46 से 47 करोड़ आते दिख रहा है और ओवरसीज से कल 19 से 20 करोड़ का आंकड़ा ये अपने खाते में रख रही है, जहां यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम में फाड़ रही है मूवी, जबरदस्त ग्रो कर रही है और ह्यूज कलेक्शन वहीं से आता नजर आ रहा है। तो पूरी दुनिया से कल ये मूवी लगभग में लगभग ग्रॉस 46 ओवरसीज 20 तो 66 करोड़ का कवर अप करते नजर आ रही है। तो भाई साहब वर्किंग डे में, फर्स्ट मंडे वर्किंग डे में भी ये मूवी चौथी EMI बहुत सॉलिड तरीके से भरी है। 100 करोड़ की मूवी, पहले दिन ही अपना बजट कंप्लीट कर लिया था और अब जो है प्रॉफिट पे प्रॉफिट गेन कर रही है। देखकर लग रहा है कि भाई साहब 1000 करोड़ ये इजली ठोक के मार देगी अगर वर्किंग डे में फ्राइडे तक ऐसे ही रुझान देखने को मिले तो, क्योंकि सैटरडे संडे फिर ये बूस्ट करेगा, हु नोज 90 करोड़ 95 करोड़ ऐसा टच कर जाए, क्योंकि मूवी दमदार है, कंटेंट सुपर सुपर सॉलिड है, बहुत से ऐसे वाव मोमेंट है इसमें कि जो पब्लिक को जोड़ के रखते हैं, सीट से जोड़ के रखते हैं। तो कल एंड ऑफ द डे तक मतलब पहले 4 दिन में ये मूवी सिर्फ हिंदी से 212 करोड़ कवर अप कर चुकी थी, साउथ बेल से 28 करोड़ 69 लाख कवर अप कर चुकी थी एंड नेट इंडियन कलेक्शन से ऑल लैंग्वेज को मिलाकर ये मूवी कल कवर अप कर चुकी थी एंड ऑफ द डे तक 241 करोड़ 43 लाख। ओवरसीज से कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी कवर अप कर चुकी थी पहले 4 दिन में 145 करोड़ और पूरी दुनिया से 420 करोड़ का आंकड़ा ये अपने खाते में रखते नजर आ रही है। मतलब 4 ही दिन में 400 करोड़ कमाना भाई सॉलिड तबाही है। देखो चेन्नई एक्सप्रेस की लाइफटाइम कलेक्शन 450 करोड़ के आसपास है, बजरंगी भाईजान की आई थिंक 500 या 550 के आसपास है और होने वाले 2-3 दिन में ही ये मूवी 550-600 करोड़ कब अपने खाते में ले लेगी भाई पता ही नहीं चलेगा। जबरदस्त तबाही देखने को मिली है, नेट इंडिया से बहुत बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जिसमें हिंदी से दिल खोल के प्यार मिल रहा है, भाई हिंदी ऑडियंस दिल खोल के प्यार दे रही है एनिमल मूवी को। तो बात करें आज day 5 मतलब आज फर्स्ट ट्यूजडे, भाई मंगलवार के क्या हिसाब किताब है इस मूवी का, तो आज भी तबाही है, जैसा कल था रुझान वैसा ही आज देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ का गिरावट आया है एडवांस बुकिंग में,
पूरे 10 करोड़ 22 लाख की एडवांस बुकिंग आज डे 5 के लिए हुई है, जिसमें सिर्फ हिंदी से 9 करोड़ 23 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। भाई हिंदी ऑडियंस दिल खोल के प्यार दे रही है। रेस्ट ऑफ द बुकिंग साउथ बेल से हुई है, और साउथ में वैसे भी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करती है हिंदी मूवीज, बॉलीवुड की कोई मूवी साउथ में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, लेकिन जितना भी कलेक्शन ये साउथ बेल से ले आई है भाई बहुत बड़ी बात है। जवान आई थिंक लाइफ टाइम कलेक्शन 54 या 55 करोड़ के आसपास लेके आई है, क्या इसके रिकॉर्ड को बीट डाउन करेगी नहीं करेगी वो देखा जाएगा। तो आज का अर्ली एस्टिमेट क्या है, नेट इंडिया से ये मूवी आज 35 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हिंदी से 31 से 32 करोड़ का आंकड़ा ये सिर्फ हिंदी से कवरअप करते नजर आ रही है। आज पूरी दुनिया से आज भी ओवरसीज और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन को मिलाकर 58 से 60 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में लेते नजर आ रही है। अर्ली एस्टिमेट 55 करोड़ भी मान के चले तो आज भी 50 करोड़ से ऊपर ये मूवी अपने खाते में लेते नजर आ रही है। तो भाई सॉलिड दवाई है, रणबीर कपूर का जबरदस्त कमबैक, मतलब फॉर्म तो चल ही रही थी, ऐसा नहीं है कि तू झूठी मक्कारी, ये मूवी आई थी पिछली वो कोई फ्लॉप नहीं गई थी, उससे पहले ब्रह्मास्त्र आई थी वो भी फ्लॉप नहीं गई थी, बट एवरेजली कमाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकबस्टर कमाई हो रही है, ब्लॉकबस्टर कमबैक हो रहा है। भाई बॉबी देओल को बहुत प्यार मिल रहा है, बॉबी देओल का जो कमबैक हुआ है छोटा ही सीन डाला गया लेकिन बहुत रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएट कर रही है जनता कि यार बंदे के पास कोई डायलॉग भी नहीं थे, बस एक्सप्रेशन से काम चलाया और फाड़ के काम चलाया है। स्टार कास्ट बहुत ही बहुत दमदार थी, अनिल कपूर ने जो परफॉर्मेंस दी है एक बाप का, मतलब एज फादर जितना भी हो सकता था, एक रिच फादर पूरा टूट के मतलब खोल के सब कुछ दिखाया है एज इट इज रॉ मटेरियल, तो मूवी जबरदस्त है। आपका क्या कहना है कि ये मूवी 1000 करोड़ टच करेगी नहीं करेगी? भाई चार ही दिन में 400 करोड़ ठोक के मार दिए, आज पांचवा दिन है 500 करोड़ ठोक के मार दिए, क्या लगता है होगा नहीं होगा? लाइफ टाइम कलेक्शन 700 से 800 करोड़ टच करेगी या 1000 करोड़, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के, मिलते हैं अगली वीडियो में, चाहे।